मैं आपको भी देख सकता हूँ क्वेश्चन से, मैं आपको बात करते करते आप लोग मान लेते हैं। मेन कैमरा ये है, ये बी रोल है। सबसे पहले आपका पंजाब की फिल्म में स्वागत है, और काफ़ी इस फिल्म का हमने ट्रेलर देखा है, लोगों ने भी ट्रेलर देखा है, काफ़ी ऐसे महसूस नहीं होता है कि ये कोई इंडियन फिल्म या नहीं, इसका लुक इस तरीके से है कि जैसे कोई हम फॉरेन फिल्म भी देखें। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ट्रेलर से, ट्रेलर के बारे में क्या कहना चाहते हो, ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंस कितना है ऑडियंस को थिएटर तक? आपने पिक्चर की फर्स्ट इम्प्रेशन फिर एक अच्छी प्रोडक्ट निकालें, इरेस्पेक्टिव टू यहाँ के ऑडियंस, वहाँ के ऑडियंस, कुछ सोचा नहीं था, बस एक अच्छी नेपाली पिक्चर या बोलो एक अच्छी फिल्म बनाए बस। तो अभी अल्टीमेटली आपको पसंद आई, बहुत से लोगों को पसंद आ रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बोला कि काट सकते हैं ना, आप क्या सोच रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ट्रेलर का इम्प्रेशन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मायने रखता है फिल्म का, जितना भी हाइप हो, जितना भी जो कुछ भी हो। आज के दौर पे मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि वो जज कर सकते हैं कि प्रॉपरली, अभी पहले जैसा माहौल रहा नहीं ना। तो और ट्रेलर का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने के बाद मेरे ख्याल से ऑडियंस थिएटर पे डेफिनेटली आ रहे हैं प्रेम जी के लिए। और प्रेम जी वन, प्रेम जी टू, उसके बाद प्रेम जी थ्री, तो दो फिल्म भी होने के बाद में थर्ड से लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, तो ऑडियंस को क्या नया देखने, क्या नया देखने के लिए मिल रहा है? जितने भी ऑडियंसेस ने प्रेम जी वन और टू देखी थी उनको भी मालूम है, पता है कि किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू से लेकर के हर चीज़ पे कितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज, कितना ज़्यादा ग्रोथ किया हुआ है हमारे टीम ने। और उनको ज़्यादातर लोगों को वो हमारी आइडियोलॉजी, हमारी थॉट भी पता है कि जितना ज़्यादा हमें प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा रिटर्न मिलती है, उतना ज़्यादा हम और इन्वेस्ट करके उतना ज़्यादा बड़ा आज नई मार्केट होने की, नई ऑडियंस के पास पहुँचने की, और नई से नई ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करके देने की, स्टोरी नई से नई कहानियाँ बताने की कोशिश में लगे रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट है। तो डेफिनेटली और एक छोटी सी जगह से निकल के इतनी बड़ी जगह तक आकर के इतना ज़्यादा प्यार अप्रिसिएशन मिल रही है, तो हमारी मेहनत को देख भी सकते हैं कि ऐसा एक्सेप्ट हो रहा है, तो वहाँ से भी पता चल रहा है। थोड़ा फिल्म की कहानी के बारे में जानना चाहिए, किरदार के बारे में। अभी प्रेमी थ्री टाइटल की वजह से फील हो सकता है कि ये कंटिन्यू एक सीरीज़ का थर्ड इंस्टॉलमेंट है या फिर थर्ड पार्ट रहेगी, सीक्वल है या फिर प्रिकल दे सकते हैं, किसी को वो लग सकता है। लेकिन हमने बस प्रेम गीत का एसेंस लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रेम गीत, प्रेम और गीत कैरेक्टर की एक स्टोरी थी फर्स्ट वाली, और वो थोड़ी उतना हैप्पी नहीं, एंडिंग नहीं था, वो एक ट्रैजिक स्टोरी, ट्रैजिक एंड था। तो फिल्म बहुत अच्छी लगी लोगों को, बहुत इमोशनल बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं मन पे वो रहता है ना कि ये अभी पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा थॉट रहता है ना, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती ये कहानी। जैसे कि टाइटैनिक पे जब जाकर रोज बिछड़ जाते हैं, रोमियो एंड जूलियट पे जब बिछड़ जाते हैं, तो लोगों के मन में रह जाता है कि ये ऐसी कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। तो हमें भी लगा कि अच्छा लोगों को और देखना है प्रेम और गीत की, तो भले वो प्रेम और गीत की कहानी ख़त्म हो जाए, हो गई, हम दूसरी जगह की दूसरी प्रेम और गीत की कहानी बता सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस को देखनी है और कहानी है प्रेम और गीत की। तो हमने टू बना दी, उसको भी इतना सारा प्यार दिया लोगों ने, तो हम उससे और इंस्पायर्ड होके हम अभी एक इमेजिनरी वर्ल्ड गजा किंगडम की एक पीरियडिक सेटअप पे जा करके एक अलग ही दुनिया की प्रेम और गीत की कहानी बता रहे हैं। तो इस फिल्म में प्रेम आपको स्टीमर ने डेब्यू किया है, उनके साथ कैसे बॉन्डिंग शो? जैसे आपने बताया क्रिस्टीना का डेब्यू है, तो उसको थोड़ा सा नर्वसनेस रहना तो जायज़ है, लेकिन वो ऑडिशन के थ्रू
थ्रू आई है तो 2500 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए थे, उनमें से वो 20 top 25 पे सेलेक्ट हुई और उसके बाद फाइनलिस्ट के तौर पे वो आ गए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग है। बहुत से लोगों को बहुत काम करने के बाद भी जो एक एक्सपीरियंस मिलती है वो भले उसमें कम हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो जो नेचुरल एज एन गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, वो चीज़ जो भी एलिमेंट सही है एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, एज एन आर्टिस्ट, वो उस पर है और उसी हिसाब से वो सेलेक्ट भी हुई है। काम भी बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छे से किया है। उससे ऊपर की बात क्या है कि वो एज अ ह्यूमन बींग बहुत जेन्युइन है, इनोसेंट है और वो हार्डवर्क करती है। उतनी हिमालय की उतनी ठंडी थी कभी, जैसे कि होता है ना लड़कियों की तो बहुत सी होती है लंबे बाल होते हैं, उसको मैनेज करना होता है, उसमें कभी कभी कोई कंप्लेन नहीं किया हमें ना। ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से 42 किलोमीटर चल के सेट छोड़ के एक हिसाब से कहूँ तो भागना पड़ा था, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होने की वजह से। तो वो हमारे साथ साथ चल के वापस आए, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि एज ए ह्यूमन बींग इथिकली मोरली करेक्ट होना चाहिए, वो सारे गुण उसमें हैं। और जैसे भी हिमालय का टॉपिक आपने निकाला, हिमालय पे शूट नहीं किया था तो इतना डिफिकल्ट होता है ऐसे कंडीशन में शूट करना, स्टूडियो में शूट करना या लोकेशन और हिमालय, तो कितना डिफिकल्ट है, कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहिए? हाँ, बहुत सी इंसिडेंसेस है, आपको मैं पिक्चर्स वीडियोज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस वक्त ऐसा है कि अगर सीरियसली बताऊँ तो हमारे पास उतनी बजट थी नहीं कि हम VFX करें, या फिर हमारी सोच थॉट जो भी थे उसको ना एक सेफ कंडीशन में रह करके उसके ऊपर काम कर सके स्टूडियो के थ्रू, वो बजट नहीं था। लेकिन हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज था, नेचुरल लोकेशंस था जहाँ पे हम जाके काम कर सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ में जो भी वो टोपोग्राफिकल थ्रेट्स वगैरह और फिर वेदर की चीज़ें जो भी आती है ना, वो सारे रिस्क फैक्टर्स भी थे। हमने एक हेल्थ असिस्टेंट रखा हुआ था अपने साथ, लेकिन वो 1 से 1.5 का यूनिट था, तो कोई कभी बीमार हो रहा है, कोई ठंडी की वजह से गिर रहा है, किसी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके वापस लेके जाना पड़ रहा था। मेरा एक एक्शन सिक्वेंस था जहाँ पे मैं 2 माले से छलांग लगाने थे, हुआ क्या कि एक पहली शॉट पे मैंने ऐसे छलांग मारी, प्रॉपर वो सेफली लैंड कर दी। तो डायरेक्टर ने जो भी थे उन्होंने शॉट देखा और बोला कि ये तो बस छलांग मार रहा है जैसा देख रहा है, तुमको ना पीछे से दौड़ के आगे वो एक्शन वाली फील चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, ये सेफ्टी को थोड़ा आगे कर दो, क्योंकि मैं खुद के आने पर मैं यहाँ पर लैंड नहीं करूँगा, मैं थोड़ा आगे लैंड हूँ। तो मैंने ये बोल के चला गया, वो किसने ध्यान नहीं दिया, मैं पूरा दौड़ के वो छलांग मारा तो ऐसे देखा कि सेफ्टी तो पीछे छूट रहा है, तो ऐसा मेरा पैर लैंड हो गया, मेरा ये मोच आ गया। वो माइनर नहीं था, उसको प्लास्टर करवाना था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कंडीशन था नहीं। और उसके बाद 7 दिन कंटिन्यू फाइट हुआ, 7 दिन कंटिन्यू डांस हुई, और उसके बाद 2 महीने का शूट खत्म करके वो ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से 42 किलोमीटर चल के जब मैं काठमांडू आया और जब मैंने स्कैन करवाया तो डॉक्टर का शौक है, उनको तो इमीडिएटली प्लास्टर कराना है ये बोले थे। लेकिन मैंने बताया कि सर ये तो 2 महीने पहले की इंसिडेंस है, तो उन्होंने बताया कि ये तेरे को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम देने वाली है, अभी इसको कोप करके चलो। मतलब इतना डेडिकेटेड हाँ आपके पैर में चोट आने के बाद आपने इतना ज़्यादा सुना नहीं कि मतलब अपने शेड्यूल कंप्लीट। हाँ, मैंने तो लगाया कि अगर मैं बैठ जाऊँगा कहीं पर, मैं रेस्ट कर दूँगा तो पूरा 150 का यूनिट जो है उनको रेस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी हम शेड्यूल बहुत स्लो चल रहे थे, क्योंकि ऐसा वैली था, सुबह 9-10 बजे के बाद सूरज लाइटिंग चल रही थी और 3 बजे के बाद सनसेट हो रहे थे। हम खाना भी 3 बजे के बाद खा रहे थे, क्योंकि वो टाइम जो था हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, और उसके ऊपर हमें बहुत सारा काम निकालना था। और शाम को आप देखो तो 6-7 बजे के बाद इतना ठंडी हो जाती थी कि -26, -27 तो रेगुलर हो जाता था, तो काम करना उतना मुश्किल था। तो इसके बावजूद ये तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, हमारे DP जो सर थे उनकी ब्लड क्लॉट हो गई थी ठंडी की वजह से, उनकी ब्लड थिक हो गई थी और उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, और उसी वक्त 6 दिन तक नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सोलर एनर्जी, नो फोन नेट, नो इंटरनेट, कुछ भी नहीं था। हम ऐसे स्टॉप हो गए थे स्नोफॉल की वजह से। तो उनको 6 दिन के थैंक गॉड जिस रात उनको अटैक आई उसकी सुबह वो सारा खुल गया और उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके हम काठमांडू ले आ पाए। तो इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर के आज यहाँ पे आके ऐसे काफ़ी रिस्की सिचुएशन में आप लोगों ने इस फिल्म को शूट किया और कम्प्लीट किया, तो बिल्कुल ऑडियंस को एक फिल्म देखना चाहिए। और जितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हो, हिंदी तो स्पेशल ट्रेनिंग मैंने ऐसे क्लासेस तो नहीं ली, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया, मैं 1.5 साल से मुंबई पे रह रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन के काम पे, तो बहुत से लोगों के साथ बातचीत होती है और जाने अनजाने में सीखने की चाहत भी थी, लेकिन
बेसिक नॉलेज जो भी था वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ मैं याद कर पा रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से वो बचपन में ना हम जब वो टीवी पे रामायण महाभारत आती थी वो हमने हिंदी पे देखी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी ना, फैशनेबल लगती थी, राम चंद्र सागर कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा बहुत से धार्मिक धारावाहिक आती थी तो वो हम देखना पसंद करते थे। मेरे ख्याल से नेपाल में ना 70-80 की उम्र की हमारे जो भी दादा दादी है नाना नानी उनको भी हिंदी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है वो सब देख करके, और उसके बाद जब थोड़ा टीनेजर्स होने लगे तो हम हिंदी सिनेमा की तरफ इंटरेस्टेड भी होने लगे तो हिंदी सिनेमा से और भी ज़्यादा वो गेम हो गए और लैटर फेज में यहाँ पे आके तो लोगों से बातचीत भी बढ़ने लगी, तो ये सब फैक्टर हो सकती है। और अगर प्रमोशन की बात करूँ तो इनका ऑल ओवर प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने देहरादून का आपका प्रमोशन देखा है, हाँ जी, कोलकाता का देखा है, लोगों का जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाँ, तो ऑल ओवर आप जा रहे हैं किस तरीके से फैंस के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे आपको रिस्पॉन्स मिले? मैंने इतना ज़्यादा वो प्यार मिलेगा ये सोचा नहीं था, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि हमें हमारा फिल्म थिएटर पे रिलीज होगी या नहीं, ये भी पता नहीं था। थैंक्स टू सुभाष सर, प्रशांत सर, जिन्होंने हमारी रियल टच पे हमारे जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की काम हो रही थी उन्होंने पिक्चर देखी, उनको लगी कि इसको तो हम लार्जर रिलीज कर सकते हैं। बजट के हिसाब से छोटी है लेकिन जो आउटपुट आई है ना मेरे ख्याल से वो मैटर करती है अल्टीमेटली, और जो लोकेशंस हमने शूट किया अगर वही चीज़ VFX पे करते तो मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ से ऊपर वो चीज़ पे लग जाती, तो बजट कम है का मतलब ये नहीं कि फिल्म छोटी है, फिल्म पे जो भी दिख रहा है ना वो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से लगा होगा सुभाष सर कि इसको ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और हाँ, जिस तरीके से ट्रेलर गाने आए और पवन गीत जुड़े, जुबिन सर जुड़े और अंकित तिवारी, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए ना, सबको वो कहीं ना कहीं लगा होगा कि ये बहुत मेहनत से बनाई हुई, शिद्दत से बनाई हुई चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचना चाहिए, तो सारे टेक्नीशियंस, सारे आर्टिस्ट और जितने भी लोग जुड़ गए ना सबने सपोर्ट किया, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से तब जाके ऑडियंस को भी एक वो फील आए कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, तो अच्छे अच्छे लोग इसके साथ जी, एग्जैक्ट, तो सब जहाँ पे भी आपने बात की देहरादून से लेकर के इधर शिलोंग, आसाम, गुवाहाटी, कोलकाता, हर जगह पे प्यार मिला। और एक तो इंसिडेंट ऐसा भी हो गया था कि देहरादून के जब हम मॉल पे कॉन्सर्ट कर रहे थे आगे बहुत से 4-5 लड़के एक्चुअली बहुत हल्ला कर रहे थे और वो स्टेज में आने के लिए जिद कर रहे थे लेकिन हमारे होस्ट ने उनको आने के लिए अलाउ नहीं किया, वो भी फिर बाद में हम निकल गए, थोड़ी वहाँ पे डिस्कशन भी चल रही थी, लगा कि ये लोग ड्रंक हैं, ये लोग कुछ शोर शराबा कर रहे हैं, हमें लगा कि सिक्योरिटी ने बोला कि आपको इसको स्किप करना है, अवॉइड कर रहे हैं, हम गाड़ी पे निकल गए, पीछे से एक BMW पे SUV पे फॉलो कर रहे थे, खिड़की से दो चार लड़के निकल रहे थे, इधर संतोष से निकल के बोल रहे थे प्रदीप गाड़ी रोको बोल रहे थे, हमें लगा कि ये तो बहुत रिस्की हो गई, कोई फॉलो कर रहा है हमारी गाड़ी को, और फिर हम सीधा होटल के अंदर चले, उनकी गाड़ी बहुत अच्छी थी तो होटल वाला ने उनको अलाउ कर दिया, तो हमने ना वीडियो भी शूट किया गाड़ी के अंदर से, कहीं ना ये कुछ करना है तो फिर एज अ प्रूफ हमको सिक्योरिटी के हिसाब से फुटेज कलेक्ट करना है, तो हमने वो लोग जो फॉलो कर रहे थे उनका वीडियोज़ भी निकाले, लेकिन वो बोल रहे थे कि फ़ोटो चाहिए, लेकिन कोई भी ड्रंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने वहाँ पे रोका नहीं, गाड़ी सीधा होटल के अंदर लेके गए, वो लोग होटल के अंदर आ गए, वो लोग उतरे और उन्होंने बोला कि प्रदीप भाई आपके आपसे मिलने के लिए हम दिल्ली से यहाँ तक आ गए, आपके इंटरव्यूज देखी, आपके ट्रेलर देखी, तो हमें लगा कि आपसे एक बार मिल के बात करनी चाहिए, तो हम देहरादून में इवेंट हो रही है ये पता हो गया तो हम यहाँ पे फॉलो करके आ गए, वो लोग ड्रंक नहीं थे, वो इतना स्लोवर थे, इतना बढ़िया, इतना एडुकेटेड लग रहे थे, तो उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो लिए और फिर वो वापस भी गए, तो ये तो कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि एक दिल्ली से कोई ग्रुप आ रही है दिल्ली 13 दिन तक मेरे उनसे मिलने के लिए, तो एज एन एक्टर एज समवन हु इज़ आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी वहाँ से बिलोंग करने के बावजूद इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा तो ये मेरे को पता नहीं। आपने जैसे पवनदीप की बात की तो इस पवनदीप ने भी इस फिल्म से अपना एज ए म्यूजिक कंपोजर डेब्यू किया है, तो शॉर्ट में उसके बारे में जानना चाहता हूँ। पवन भाई जी तो टैलेंट की तो क्या बात करूँ, हम सब जानते हैं इंडियन आइडल की वक्त जब रियलिटी शो थी वो कुछ भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते, कोई भी लैंग्वेज में
गा सकते हैं। आपको पता होगा कि नहीं, कोलकाता में बंगाली गाना गा रहे थे, आसाम में आसामीज गा रहे थे, देहरादून पे पहाड़ी लैंग्वेज में गाना गा रहे थे। इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, और इससे बड़ी बात वो बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, और हमारे लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनका गाना कंपोजिशन है, वो फिल्म गा रहे हैं, और लेकिन वो प्रमोट एज अ होल फिल्म को कर रहे हैं, फिल्म को रिप्रेजेंट करके फिल्म को अपने कंधे पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच पवन भाई आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए। मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर से थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। मुंबई में आपने प्रमोशन टिक स्टार्ट किया है, तो कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आपका म्यूजिक लॉन्च मुंबई में हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई है, तो मुंबई वासियों का आपको कैसे रिस्पांस है? मुंबई पे बहुत सी सिमिलैरिटीज देखने को मिली, जैसे कि कल्चरल हिसाब से बोलूँ या फिर सिमिलर वर्ड्स भी कितना ज़्यादा सिमिलर है। जैसे गणेश, हम वहाँ पे गए थे, वो सिद्धिविनायक टेम्पल पे भी गए थे, और जो यहाँ पे कल्चर वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ से बहुत सिमिलैरिटीज़ है, और उस हिसाब से हो सकता है शायद लोगों से भी उतना ज़्यादा उन्हें अटैचमेंट हो गया, जो कल्चरल बैकग्राउंड सिमिलर होने की वजह से भी हो सकता है, और लोगों की प्यार और उनको ना जो एक्सेप्टेंस होती है ना, जैसे कि महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत से बाहर के लोगों को अपना मान के अपनी जगह पे रहने के लिए, उसी तरीके से हमको भी इतना ज़्यादा ओपनली सपोर्ट किया। नेपाल बोलूँ या फिर नेपाली बोलने वाले बहुत से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने घर के अंदर उन्होंने एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करके रखा हुआ है। इवन सुभाष सर के घर के अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं नेपाल, जो नेपाल से बिलोंग कर रहे हैं। इस हिसाब से ना वो लोग नॉट जस्ट फॉर एज अ फिल्म से बिलोंग करने वाले लोग, फिल्म के बाहर के लोगों को भी बहुत सारा प्यार दे के रखा हुआ है यहाँ पे मुंबई पे, महाराष्ट्र पे, तो हमें तो वैसे भी एक्सेप्टेंस मिल जाए अपने आप में। और एक मेरा सवाल ये था कि बॉलीवुड की आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, कौन से एक्टर आपकी फेवरेट है, क्योंकि आपको भी जहाँ नेपाल में आप हो तो आपको शाहरुख रणवीर के साथ में कंपेयर किया तो कैसे महसूस होता है? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से मैं उतना लायक नहीं हूँ अभी तक, इतने ज़्यादा वो इतना ज़्यादा वो वर्ल्ड ने उन लोगों को वो सब हमारे सर शाहरुख सर आपने जितने भी नाम ये सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वर्ल्ड उनके फ़ैन है, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। मैं तो जो वो करते उसका इतना सा छोटा सा भी अंश नहीं कर पाता, हम तो बस ट्राई करते हैं। और आप फेवरेट एक्टर बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन सर की भी बहुत सी पिक्चर का फ़ैन हूँ मैं, और बहुत से लोग हैं जो भी आप इमरान सर बोले जो अभी गुजर गए, उनके काम देखे इतना ज़्यादा सटल एक्टिंग करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अभी आ करके नवाजुद्दीन सर और मनोज वाजपेयी सर सबको देख देख कर तो ना कैसे कर पाते होंगे ये सब फील होता है। और ये फिल्म बड़े लेवल पर रिलीज़ हो रही है, हाँ इंडिया में भी रिलीज़ हो रही है, और इसका अच्छा रिस्पांस मिलना, जैसे लोगों का जो हम लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं, तो इससे तो गारंटीड भी फिल्म में ब्लॉकबस्टर होगी, इस पर कमाल दिखाएगी। और फिल्म हिट होने के बाद सबको क्या लगता है कि इंडिया और नेपाल दोनों के बीच में फिल्म से रिलेटेड कितनी बॉन्डिंग बढ़ सकती है, क्या बेनिफिट हो सकता है दोनों कंट्रीज? नेपाल में सर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर होना बाकी है, जैसे कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज पे शूटिंग के लिए जा रहे हैं लैंडस्केप्स के वजह से, वो चीज़ मेरे ख्याल से नेपाल के अंदर भी है। अमिताभ सर की खुदा गवाह शुरू हुई थी एक बार, जिसको अफगानिस्तान जैसा टेरिटरी वहाँ पे है वो दिखा के शुरू हुई थी, मैं शोर तो नहीं हुई लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, और बहुत सी पहले हुआ करती थी लेकिन बीच में ना नेपाल में जो रोड कंडीशंस है उसकी प्रॉब्लम की वजह से शूटिंग कम हो गई थी, लेकिन अभी वो दिक्कत नहीं है, अभी रोड पहुंच गई है हर जगह पे, अभी फ्लाइट और एविएशन के लॉजिस्टिक्स का और लाइन प्रोड्यूसर्स का कंपनी वगैरह भी सब कुछ खुल गया है, बहुत सी चीज़ अभी ये 10-15 साल के अंदर चेंज हो चुकी है। तो और पहले हमारी अलग सिस्टम थी, अभी स्टेट वाइज सिस्टम हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट से अपने अपनी जगह को देखने के लिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सारे जगह पे देखता था, तो अभी सब कुछ आपको कोई भी हेल्प चाहिए कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देख सकती है, लोकल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है। मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा की अगर ये फिल्म के बाद कुछ हिंदी फिल्म मेकर्स को लगे कि ये टेरेंट ये जगह पे तो शूट कर सकते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये फिल्म देखने के बाद मतलब इंटरेस्ट आ सकती है उस जगह पे शूट करने के लिए ये फिल्म रिलीज होने के बाद। उसके अलावा पब्लिक लेवल पे तो हम तो इंडियन कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन से बहुत अपडेटेड है, मैं तो एक चीज़ पर बहुत अमेज भी रहता हूँ,
जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर संतोष सेन, हमारे ख्याल से यहाँ पे सेन कास्ट भी होते हैं ना वेस्ट बंगाल साइड में, सेन कास्ट भी, और मेरा वाला तो नहीं है लेकिन शर्मा, जो शर्मा होते हैं कपिल शर्मा, ऋषभ शर्मा, वहाँ नेपाल में भी शर्मा होते हैं, और ऐसा कास्ट भी सेम है, आप कितना ज़्यादा कास्ट सेम है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हमें पता है लेकिन इंडियन ऑडियंस को पता नहीं होगा कैसा है नेपाल में, किस टाइप की कल्चर फॉलो होती है नेपाल बोलने पर, उनको ज़्यादातर थोड़ी मंगोलियन लुक्स की लोग याद आती होगी, लेकिन आर्यन रेस की मैंने जैसे बताया सेन, शर्मा, थापा, थापा नहीं, कड़ेल, कुछ बहुत सी इंडियन जो भी सरनेम जो होती है कल्चर से बिलोंग करते हैं वो बहुत से लोग हैं उधर पे, तो आपको ये सब चीज़ जैसे कि मैं भी टिपिकल जो लगता है कि नेपाल से बिलोंग करते हैं उस टाइप के नहीं देखता, तो ये ऐसा बहुत सी चीज़ आपको पता चल सकता है फिल्म के थ्रू, आपके पड़ोसी मिल के लोगों के जानने के पता चलेगा, लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, बहुत सी चीज़ हो सकती है ये फिल्म से, और ये बस शुरुआत है। एक आखिरी सवाल, ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे कि 23rd को फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर्स में आ रही है, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्म बस एक फिल्म नहीं है, हम जिस रीजन को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये एक इमोशन भी है, फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी, उनको बस ये चीज़ पर फ़ख्र है कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट पे रिप्रेजेंट करके जा रहा है, जैसे मान सकते हो कि नेपाल इंडिया फीफा पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए अगर जाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी बुरा परफॉर्म करेगी पता नहीं, लेकिन वहाँ पे गई वही अपने आप में एक फ़ख्र की बात है, और यहाँ की ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, तो देखिए 3 करोड़ है नेपाल की ऑडियंस की पॉपुलेशन, और 130-140 करोड़ की आबादी वाली कंट्री अगर उनको एक्सेप्ट करती है तो ये उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती हमारे लिए, और दूसरी पार्ट से देख सकते हैं आप लोगों का एक बहुत फ्रेंडली, बहुत सपोर्टिव, आप लोग इतना नज़दीक वाली कंट्री का लोगों के बारे में जान पाना, उनकी कल्चर, उनके थॉट को समझ पाना भी एक अपने आप में बहुत अच्छा।